हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। मैं नीतीश, मैं ममता, और आज हम लोग आए हुए हैं लखनऊ के भूल भुलैया। यस। तो ये लखनऊ के इमाम बाड़ा के अंदर भूल भुलैया है, तो उसको हम लोग आज घूमने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सब लोग, हाँ बिल्कुल, आप ही बोलिए। तो सब लोग भूलने के लिए, खोने के लिए तैयार हो जाइए। यस। तो आज का वीडियो, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस भूल भुलैया में गुम होते हैं कि नहीं होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। और हम लोग बारिश के मौसम में आए, देखिए हम लोग ही भीग चुके हैं, बारिश कंटिन्यू हो रही है, थोड़ी हल्की हल्की, मतलब इतनी बारिश में हम लोग खुले में चले तो भीग सकते हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ पे कम नहीं है, भरी हुई है, थोड़ी भरी हुई है। हाँ, कम, अभी शाम हो गया, बंद होने का टाइम हो गया, फिर भी पब्लिक भरी हुई है, तो लोग आते हैं। खूबसूरत जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया। तो 50 रुपये का टिकट है, इसको लेके चलते हैं अंदर। तो हम लोग आ गए हैं अब इमाम बाड़ा के अंदर, और बहुत ही भव्य दिख रहा है, ये बहुत ही पुराना दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया है। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो और इस बारिश में इस इमाम बाड़े का मज़ा चलिए साथ में लेते हैं। वो पानी पड़ा है ना गेट में, थोड़ा कीचड़ दिख रहा है, हम आपको 30 फीट नीचे से जो बाहर है उनकी फोटो दिखेगी, पानी में टीवी की तरह रंगी, यहाँ नहीं दिख रहा, अंदर दिखेगा ना, से भूल भुलैया बना, पहले के बनाए, ये 1771 में शुरू हुआ है बनना, मोबाइल की लाइट जला लीजिए, कैमरा था सीसीटीवी कैमरा, पूरा कलर दिखता था ना, गेट दिख रहा है पानी में, कौन सा गेट, वो सामने सामने ज्यादा एंट्री किया हम लोग, आपकी जो खजाने की चाबी थी वो इस कुएं में पड़ी है, मतलब जितने बहुत कुछ, बहुत तेज़ी से गाइड बताते चले जाते हैं और अंधेरे में बढ़ते चले जाते हैं, तो अंधेरे में रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी नहीं आती है, तो हम लोगों ने तेज़ी से इसको गाइड की आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा। इस पे तो आप मोबाइल पे भूल भुलैया का फील तो नहीं ले पाएगा, यहाँ आके जरूर फील कर सकते हैं। कैमरा अलाउ नहीं है, कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, हम लोग मोबाइल से, तो मोबाइल से ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा या फ़ोटो लेना पड़ेगा, डिजिटल कैमरा लेके आप नहीं आ सकते हैं इसके अंदर, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सूज भूल भुलैया के अंदर अलाउ नहीं है। भूल भुलैया का एंट्रांस, और यहाँ से हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं, यहाँ पे आप गाइड ले लीजिए, 100 रुपये गाइड मिल जाता है आपको, और सूज उतार के जाने पर ध्यान रखिएगा, स्लीपर में आइएगा। तो बता रहे हैं ये 45 स्टेप्स ऊपर चढ़ना है, और लेकिन टोटल स्टेप्स यहाँ पर कितने हैं, 84 स्टेप्स हैं, देखते हैं काउंट करते हैं, भूल भुलैया यहाँ से शुरुआत है, 1 2 3 4 5 6 45 स्टेप्स हम ऊपर आ गए, ये पूरे 45 स्टेप्स हैं, आने जाने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन इसके अंदर 1024 अलग अलग रास्ते हैं, देखिए 1 2 3 4 रास्ते हो गए, 3 गलत 1 सही, दीवारों के बीच में आप चल रहे हैं, पिलरों के अंदर, अच्छा इधर साथ साथ चलो, हाँ मोबाइल में लाइट ऑन कर लिए, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अंग्रेजों ने इसमें 2000 सिपाही भेजे थे खजाने की लालच में, जो रास्ते आपके यूज करे अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों ने ये रास्ते यूज करे तो इसमें 1857 के कदर में उन्हीं ने बंद करवाया, और उसका नाम दिया लैबरिन, बोलते हैं फौशियन हॉल, एशिया का सबसे बड़ा हॉल बनाया गया, 163 फीट लंबा है, 54 फीट चौड़ा है, 60 फीट ऊंचा है, इसमें ना कोई लकड़ी, ना कोई सरिया, ना कोई पिलर, विदाउट सपोर्ट है, ओह ग्रेट, दिख रहा है यहाँ से मेन रोड गया, तीर से उड़ा देते थे मगर दुश्मन नहीं समझ पा तीर आया कहाँ से, क्योंकि 900 फीट पीछे आप डार्क अंधेरे में बैठे हैं, वो सामने वाला लाइट में आ रहा है, अच्छा। चौला ने बनवाया था, अवध के चौथे गवर्नर हुआ करते थे, आसिफुद्दौला सिजाउद्दौला के बेटे थे, सिजाउद्दौला अवध के तीसरे गवर्नर थे, और सिराजुद्दौला के सिजाउद्दौला बेटे हुआ करते थे, सिराजुद्दौला का बंगाल में राज हुआ करता था, जो अवध की राजधानी उस जमाने में फैजाबाद थी, और हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी,
आसिफ़ उद्दौला को जो अवध का गवर्नर बना के यहाँ भेजा गया था तो अवध में अचानक अकाल पड़ गया था। किसी पर रोजी रोटी नहीं था। नवाब साहब की दौलत में से एक आना गरीबों को देना चाहते थे मगर उस जमाने की जनता बड़ी उदार थी। कहने लगे ये एक आना आपका हराम खाएंगे, एक आना अपना वापस ले जाइए, हम मेहनत करके खाएंगे। तो मेहनत करवाने के लिए इमाम बाड़ा बनाया गया। इसमें 20,000 ने हिस्सा लिया, 20,000 वर्कर्स ने हिस्सा लिया मेहनत करने का, जिसमें 10,000 का काम था दिन में बनाना और 10,000 का काम था रात में गिराना। इसी बिल्डिंग को बनाते भी थे और इसी बिल्डिंग को गिराते भी थे। एक आना देते थे बनाने का और एक आना देते थे गिराने का। खुश हो गए 20,000 आदमी, कहते थे जिसको दे नामौला उसको दे आसिफ़ उद्दौला। आसिफ़ उद्दौला बोले हमको बड़ा ना कहिए, सबसे बड़ा है मौला। जब देगा आसिफ़ उद्दौला, नहीं देगा मौला तो क्या देगा आसिफ़ उद्दौला। ढोकरा वाला हमको नहीं देगा तो हम आपको कमा के देंगे। जब तक इसको गिराते बनाते रहे, रोजी रोटी जब तक चलती रही, गरीबी चलती रही, तो गरीबी खत्म हो गई। इसको 1784 में तैयार करवाया, 1773 में स्टार्टिंग करी और 1784 में कम्प्लीट हुआ। 11 साल लगे पूरी इमारत को बनाने के लिए। ऊपर जाकर बोलेंगे मेरी आवाज़ से और मुझे धीमी से आवाज़ सुनाई देगी, दीवार को पहाड़ की आवाज़ सुनाई देगी और हम आवाज़ सुन के वहाँ रुक जाएंगे। हाँ आवाज आ रही है, चलिए ऊपर चलते हैं, बुला रहे हैं। बिल्कुल आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। इधर कहाँ सा रहा है? लेफ्ट। आप यहाँ से बोल रहे हो? अरे हाँ, फिर से बोलिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली, जहाँ पे दीवारों के भी कान आज तक सुने थे और आज हमने देख लिया। सही में दीवारों के कान होते हैं। फल के डिजाइन में, खरबूजे के डिजाइन में, इसी में इसका नाम खरबूजा हॉल दिया गया। तीसरा हॉल है इसका, चाइनीज पर्शियन खरबूजा। 3 हॉल बने विदाउट सपोर्ट, इसमें कोई लकड़ी सरिया नहीं है, जिसके गुम्बद बनाए गए। इमामबाड़ा के पूरे ऊपर आ गए भुलभुलैया के, और इसमें इसके ऊपर से आप पूरा ओल्ड सिटी और न्यू सिटी दोनों देख सकते हैं। दोनों साइड का व्यू है यहाँ से। यहाँ से गाइड जी ने हमें छोड़ दिया है कि अब आप अपने रास्ते जाइए और सही रास्ते पे निकलिए। निकल पाते हैं कि नहीं? और गाइड हमारे पीछे पीछे हम निकल पाते हैं, हम आगे रहेंगे, गाइड हमारे पीछे रहेंगे। अब चले चलते हैं, देखते हैं। अब ये समस्या है, राम 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 राम। इधर चलो ना, उधर रास्ता उधर ही था। चलिए चलिए उधर, यहाँ से निकलेंगे। हर जगह से रास्ता है, हर जगह से रास्ता है, कहीं से भी निकल जाएंगे। उससे नीचे आएंगे तो फिर ज़्यादा नीचे हो जाएंगे, यहीं से निकल जाते हैं। नहीं फिर पक्का? चलिए आगे 4 रास्ते हैं, यहाँ पे भी 4 रास्ते हैं, हर जगह पे 3 रास्ते गलत होंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट का रास्ता उन्होंने बताया। हमारा रास्ता 1 मिनट का है, आप देखते हैं कितने मिनट। नहीं यहाँ फंस जाएंगे, ऊपर चलिए। भाई बहुत कंफ्यूजन है, बहुत मुश्किल है। इसमें हम लोग कैसे जाएंगे अभी? घूमते ना जाएंगे हम लोग इसमें। नहीं कहने के लिए गाइड बोल रहे हैं कि ये भुलभुलैया नहीं है, बट सच में अगर हमने अकेला छोड़ दिया है तो ये सच में भुलभुलैया है, हम गुम हो चुके हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग रास्ता है, कहने को भुलभुलैया नहीं लेकिन सच में बहुत बढ़िया भुलभुलैया है। बहुत घंटों घूम सकते हैं इसके अंदर। मैंने भुलभुलैया घूम लिया और रियली भुलभुलैया ऐसा जगह है जहाँ अगर आप अकेले जाएंगे तो हर रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, सीधा छत की तरफ चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। आप घूमते रहेंगे उस पर घंटों, लेकिन कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि खो जाएंगे। एक आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट घूमते रहेंगे, बट बढ़िया है, मज़ा ले सकते हैं। हाँ यहाँ आए तो गाइड जरूर ले, थोड़ा गाइड करता है तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले घूम ले, हाँ नॉलेज हिस्ट्री की कैसे ये बन रहा था, मतलब बहुत सारी हिस्ट्री है इसके पीछे भी, तो गाइड जरूर कर ले, 100 रुपये लेता है, बढ़िया। तो ये भुलभुलैया हमने घूम लिया, रियली अच्छा जगह है, घूमने लायक जगह है। एक बार तो एटलीस्ट देखने के लायक है कि उस ज़माने में लोग कैसे कैसी बिल्डिंगें बनाते थे। और अगर नहीं आए तो एक बार ज़रूर आके इसको घूमिए और गाइड के साथ घूमिए।
तो हम लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय किया और अब हो गया, हम लोग अब चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।